स्वागत है आपका एक और GTA 5 के बेहतरीन गेम प्ले में। एंड गाइस, जैसे कि आप जानते हो, पिछले एपिसोड में जो माइकल था, मतलब जो फ्रैंकलिन था, वो माइकल के घर से जब उसकी कार को चोरी करके जा रहा था जिमी की, जब उसको अपने सिमियन के शोरूम पे लेके जा रहा था, तो माइकल ने बहुत ज़्यादा सिमियन को वहाँ पे जाके सूता और बोला कि भाई अब तू सुधर जा और आज के बाद मुझे इधर आने पर मजबूर मत करना। उसके बाद अगले एपिसोड में हमने जिमी को सेव किया था, हमारी याच तो हमारे हाथ से चले गई बट जिमी को हमने सेव कर लिया, उसको बचा लिया, ठीक है, उसको हमने सेव कर लिया। तो गाइस, और मैं बता दूं आपको कि मैंने कल की वीडियो में कल मैं कोई गेम प्ले मैंने नहीं किया था, मैंने कल बताया था कि आप चीकी पे मेरे जैसे GTA 5 को कैसे प्ले कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाओ यार, क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके देखो और आप भी अपने भाई के जैसे मजे लो यार गेम खेल के, ठीक है। तो अभी तो यार सुबह सुबह का मौसम है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। माइकल पता नहीं इधर क्या कर रहा था, गाड़ी लेके बैठा हुआ था, कल रात को मैं आया था तो इसी गली में घुस गई थी गाड़ी, तो मैंने सोचा रहन दो यार, फिर मैंने फ्रैंकलिन पे स्विच कर लिया था। तो अभी तो मैं इधर घर पे आ चुका हूँ, कार को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, पार्क करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ भाई क्या बातचीत है। और ये किसी की कार आई हुई पड़ी है रेड कलर की, तो चलो भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं, नहाते धोते हैं और कपड़े वपड़े चेंज करते हैं यार, और भी तो काम है हमारे पास। तो ये तो हमारी पिकअप है, यू नो कि आपने पहले एपिसोड में देखी होगी जब फ्रैंकलिन घर पर कार चोरी करने आया था, तो ये उधर खड़ी हुई थी, उस गली में खड़ी हुई थी, ठीक है। तो भाई अब जल्दी से चलते हैं घर में, और माइकल भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, रात को पार्टी वगैरह की थी इसने फ्रैंकलिन के साथ। तो माइकल अभी घर में आ चुका है, सबको बुला रहा है। Man. मैं थोड़ी सी आवाज़ तेज कर लेता हूँ, कोई है भाई घर में? Tracy. अरे कोई है ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही। अब भाई बाहर आ गया माइकल, बेटा सिगरेट पी रहा है, मत पिया कर, फेफड़े सड़ जाएंगे तेरे। भाई माइकल क्या गज, अच्छा भाई टेनिस, आप समझ रहे हो कौन सा मिशन है ये, बहुत खतरनाक मिशन भाई। माइकल समझ गया, अब इसको आ गया पूरा गुस्सा। अब मैं थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ भाई, बहुत ही खतरनाक सीन है, मैं ब्लर कर देता हूँ वीडियो। तो गाइस यार अभी बहुत बड़ा कांड हो चुका है, आप जानते हो इस मिशन को। तो भाई ये पहले हमको इधर से जाना पड़ेगा यार, मैं इधर से चलता हूँ, और अब हमें पीछा कर रहा है उस आदमी का, ठीक है भाई। उसकी हिम्मत कैसे हुई घर में घुस के, तो जब माइकल पूरे गुस्से में है यार। चल फ्रैंकलिन तू भी चला आ रहा है मेरे साथ, आ जा बेटा। अबे बहन जी आप चुप रहो, अब चुप रहो। अब भाई ये भी पूरे गुस्से में हो गई, और माइकल तो पूरे गुस्से में है। चलो 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 चलो, अब इसे टेनिस कोच को हमें फॉलो करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। चल फ्रैंकलिन आज इसकी बैंड बजा देते हैं ससुरे की, आज ससुरे नादी बचेंगे नहीं यहाँ पे। अरे यार पहले रेडियो बंद है, बहुत बढ़िया, सब चीज़ बंद, गाड़ी यार इधर से टर्न करनी है। अब भाई यार मैं बताता हूँ आपको कि जो ये बंदा है ना टेनिस कोच, बहुत ही अभी आगे बहुत खतरनाक सीन होने वाला है, आप जानते होंगे, या फिर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा यार बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। अब यार ये मैं किधर पार्क में घुसा दे रहा हूँ कार वगैरह, मेरी ड्राइविंग सही बहुत ख़राब हो चुकी है यार इस समय, बट मैं कभी कभी बहुत अच्छी ड्राइव करता हूँ यार, कसम बता रहा हूँ, कभी कभी मैं इतनी बेहतरीन ड्राइव करता हूँ कि यार कोई कह ही नहीं सकता कि भाई आप वही इंसान की उम्र हो जो कितनी ठोकते ठाकते हो गाड़ी। बट गाइस मैं आपको बताऊँ, मैंने जो माफिया 2 की वीडियो डाली थी उस पर मुझे कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आई होप कि मुझे उसकी वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, बट यार मैं सोचा आगे कंटिन्यू करूँ यार, उसे मुँह से क्या क्या निकल जा रहा है, ठंडी है ना यहाँ पे, ठंड है तो थोड़ी सी ज़ुबान इधर उधर हो जाएगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, बिकॉज़ यार जानते हो जब ठंड लगती है तो क्या होता है, और यहाँ लॉस सैंटोस में तो अच्छी खासी धूप खिली पड़ी है। मेरा तो मन कर रहा है कि यार मैं जाके इस धूप में खड़ा हो जाऊँ और कहूँ भाई आ जा धूप पूरी, मुझे विटामिन डी दे दे अपनी। तो कोई बात नहीं यार, ये देख रहे हो वाइनवुड साइड है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा सुंदर साइड है, यू नो कि जो वाइनवुड में आगे वाली मिशंस में फ्रैंकलिन को बहुत ज़्यादा सुंदर शानदार घर भी मिलने वाला है, तो भाई फुल मजा आएगा गेम प्ले में। बस गाइस आप मुझे सपोर्ट करते रहो इसी तरह, आपका प्यार बना रहे यार, अभी हमने 644 सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं यार, 1000 हो जाए यार जल्दी से। बस यार मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मैं वे तक करवा दें तो यार मज़ा आ जाएगा पूरा, कसम बता रहा हूँ। तो यार पहले तो ये गाड़ी वगैरह इतनी आ रही है ना, कार अपनी ठुक जा रही है, पिकअप कुछ भी बोलो इसे, तो पहले चलते हैं भाई, कितनी दूर हो गया पूरा ये वाइनवुड आधा छनवा दिया हमसे। अच्छा ये कार आ गया आगे, अबे भाई गाइस वो जो थोड़ी सी मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइस वगैरह आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना यार, बिकॉज कुछ काम चल रहा है घर में, ठीक है भाई। और बस ज़्यादा दूर है नहीं अपनी डेस्टिनेशन, बस आ ही गए हम अपने डेस्टिनेशन पे, तो चलो यार जल्दी चलते। इधर दो लोग क्या कर रहे थे भाई, सिगरेट वगैरह पी रहे थे क्या? इधर से हमें राइट टर्न करना है, और ये सामने वाला घर आप देख रहे हो ना, उसी वाले घर पे हमें बवाल बचा रहा है, वो देख रहे हो ऊपर खड़ा हुआ है, वो ऊपर खड़ा हुआ है पागल, रुक जा आता हूँ बेटा तेरे को, माइकल छोड़ेगा नहीं तेरे को, वो बस नीचे आ जा बेटा बता रहा हूँ तेरे को, आ जा आ जा आ जा, बहुत ऊपर से बन रहा है अपने आपको दादाजी, आले इतनी रैपिड मारूंगा ऊपर आके, रुक जा। गाइस कार से उतरते हैं जल्दी से, और देख अच्छा थोड़ी से आगे और लेके जानी पड़ेगी, मैं इधर ही कार रोक रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ी से आगे और लेके चलते हैं कार को।
चल भाई, कल चल चल चल, देख रहे हो भाई पूरा धूल वगैरह सब उड़ रही है, मजा आ रहा है गेम भाई, गेम खेलने में मजा आ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कभी मैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस में GTA 5 खेल पाऊंगा, आई मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट यार ये हो रहा है और आप लोग भी कर सकते हो यार, मैंने तो वीडियो बना रखी है ना, तो मजे काटो यार आप लोग भी, तो जल्दी आ जा। But there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. आई माइकल पूरे छोटे बच्चों की तरह मैं बता रहा हूँ। चलो रस्सी वगैरह तो इसमें बंद गई, अब आ जा बेटा तू, साले तेरा घर गिरा देंगे नीचे से। चल माइकल अंदर बैठ जल्दी से बैठ। अबे भाई तू कवर क्यों ले रहा है, अंदर बैठना तू कवर ले रहा है, यहाँ जिस समय फाइट वगैरह गन फाइट होगी उस समय कवर लेना। अभी चल इस ससुरा घर गिराता हूँ, साला बहुत बन रहा था अपने आप को छत पे से, हाँ डीएम बना बैठा था, कुछ ब्लॉक्स गिरे। अच्छा आ जा, एक दो तीन, अरे एक दो तीन, एक बार और हिला, कुछ ब्लॉक्स और गिरे, ठीक है ठीक है। देख रहे हो नीचे गिर रहे हैं, इसकी रेलिंग गिर रही है सारी, एक दो तीन, अरे चलो यार कभी तो चल जाओ, मजाक बना के रखा हुआ है मेरा यहाँ पे, एक दो तीन। अच्छा अब गिर गया, अब पक्का गिर गया, लो भाई घर गया पूरा, घर गया गया घर पूरा भाई साहब, इतना मस्त घर था यार, हमें मिल जाता तो मजा आता। कोई बात नहीं माइकल, घर भी अच्छा है भाई, देखिए ये घर अच्छी जगह पे था यार, देख रहे हो हिल साइड पे मस्त सा घर था अपना, किसी का भी होगा मस्त था घर। तो चलो यार इसका तो काम तमाम कर दिया, अब चलते हैं यहाँ से, देखते हैं भाई माइकल ने तो पूरा कांड कर दिया, इसका पूरा घर ही गिरा डाला कोच का। Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Griffon! You! Yes, dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. अब भाई माइकल को फोन आया, वो कोच कह रहा है कि अबे माइकल डिसेंटर तूने क्या किया भाई, व्हाट द हेल, ये घर मेरा नहीं था, मैं तो कोच हूँ भाई, मेरे तो बहुत सारे जगह में बहुत सारे लोगों को कोचिंग दे रहे जाता हूँ, मेरा घर अपना दूसरा है, तूने मार्टिन मद्रासो का घर तोड़ दिया, पूरा फोड़ दिया, और मैं तो बस यहाँ पे छिपने आया था। अब पीछे से उसकी लड़की की, उसकी वाइफ कोई भी है, वो बोले कि ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट, मार्टिन मद्रासो तुम्हें ग्रीन लाइट दे देंगे, मतलब जिंदगी से ऊपर चल जाओगे। तो माइकल बोला ओ लेडी आई एम स्कैर्ड, मतलब मैं डर गया। माइकल को भी डर वर कुछ नहीं लग रहा, ये बोल रहा है कि आने दो उसको, फिर माइकल भी उसको चिढ़ा रहा है ग्रीन लाइट और पीछे कुछ गुंडे लग चुके हैं, मेरे ख्याल से मार्टिन मद्रासो के होंगे, होंगे क्या उन्हीं के हैं भाई, देख रहे हो। अब भाई सब बस इनसे कैसे तैसे पीछा छोड़ जाए, इनको टपकाना ही पड़ जाए भाई में, ठीक है चलो यार अब मुझे फ्रैंकलिन पे स्विच करना पड़ेगा यहाँ पे। और भाई साहब ये पीछा छोड़ ही नहीं रहा, देख रहे हो इनको कितनी भी गोलियाँ मार लो, असल बात तो पहले एम लग नहीं रहा अच्छे से, किधर भी लग जा रहा है और ऊपर से ही थोड़े से पीछे हो गए, उनकी गाड़ी थोड़ी सी उससे ठुक गई थी ना भाई, बस कैसे भी करके बच जाए यहाँ से, एक बार निकल जाए। ये वाली कार भी हमारा पीछा, अबे भाई वो आगे गुंडे फिर से पीछे, ये वाली कार हमारा पीछा कर रही है, अबे ये हमारा, वो फिर ठुक गए वहाँ पे। अच्छा नहीं वो उधर जाए, मैं सोचा यार यहाँ अभी तक गोली चली गई थी बेटा तेरे ऊपर, वो ससुरे के नाती हमारा पीछा कर रहे हैं यार, पहले इधर से भागो यार, इधर से लेफ्ट लो आई मीन राइट लो, और जल्दी से बस माइकल के घर की तरफ निकल जाए यार जल्दी से। और देखो ये अभी पीछा कर ही रहे हैं भाई, ये नहीं सुधरने वाले, ये नहीं छोड़ेंगे हमें, फिर आ गया पीछे रुक बैठा, तेरे को बताता हूँ भैया एक गोली लग जाए इसको, बस एक गोली लग जाए बेटा इसके सर पे, बस ये सुधरा गया यहाँ से, आ जा आ जा आ जा आ जा दोस्तों, देख रहे हो यहाँ पे कितनी दिक्कत हो रही है फैमिली, बट कोई बात नहीं यार हम हैं तो क्या गम है, ले अबे यार उसके ऊपर पोल गया तभी वो बच गया, इस बार आ जा तू, इस बार आ जा आ जा आ जा। अबे भाई आपसे क्या झूठ बोल रहा है, वो मिशन जल्दी मुझसे, मैं बताऊँ एम वगैरह लग नहीं था तो तीन बार मैंने किया वो स्किप कब से मैंने कर दिया भाई, माफ़ करना मेरे को, लेकिन यार हम छूट गए वहाँ से कैसे तैसे भी करके। तो चलो यार माइकल तो यहाँ पे आ चुका, और फ्रैंकलिन आप देखो अब क्या होता, कोई आया है शायद, यही है मार्टिन मद्रासो, यू नो आपने अगर और यूट्यूबर्स की वीडियो, अबे कौन है, हाँ हाँ हु आई एम हु आई एम, बेटा मारू यहीं पे सुत जाएगा यहीं पे। I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. No. Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background.
Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart. Michael, got a question for you. Did you pull an architecturally significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuilds, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. अब भाई माइकल को तो उसने अच्छे खासे लतिया दिए, उसका घर कितना 2.5 मिलियन वगैरह का, मतलब यार पूरा खर्चा बैठ गया अब तो। गाइस कोई बात नहीं, इसी के साथ अपना आज का मिशन जो पास्ड हो गया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी और देख लो। बाकी यहाँ पे सुबह सुबह का माहौल है, अभी माइकल किसी पार्क वगैरह में आया हुआ है। अच्छा, आपने सोचा होगा कि मैं जब कहूँगा कि अभी वीडियो और पसंद आई है, तो आज की वीडियो में मैं थोड़े से और देख रहा यार, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। तो अभी माइकल किसी को कॉल कर रहा है, बातचीत कर रहा है। I'm living in Los Santos, just like you, Marietta Heights. Whoa, wait. Hey, how do you? Hello? ओ भाई, ये अपने पुराने दोस्त लेस्टर से बात कर रहा था। ये कह रहा था कि भाई अच्छा ठीक है भाई, इनके पास अब रोबरी वगैरह को अब हमें भाई देना है पैसे, तो करना पड़ेगा काम। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने इंसान गेमर भाई को सपोर्ट करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देख लो वहाँ पे दो लेडीज़ बैठी पड़ी हैं और भाई फुल मजे चल रहे हैं लॉस सैंटोस में ठंडे मौसम में। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।